देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है, आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते, आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा सीधा किसान के पास चला गया। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए था कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं। साथियों, दशकों से ये मांग और मंथन चल रहा था कि गांव में उद्योग क्यों नहीं लगते। जैसे उद्योगों को अपने उत्पाद का दाम तय करने में और उसको देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी रहती है, वैसी सुविधा किसानों को क्यों नहीं मिलती? ये अन्याय किसानों के साथ क्यों हो रहा है? अब ऐसा तो नहीं होता कि अगर साबुन का उद्योग किसी शहर में लगा है तो उसकी बिक्री सिर्फ उसी शहर में होगी। कि साबुन तो देश के हर कोने में, दुनिया में कहीं पर भी बिक सकता है, लेकिन खेती में अब तक ऐसा नहीं होता था। जहां अनाज पैदा होता है तो किसान को स्थानीय मंडी में जाकर के ही उसको बेचना पड़ता था। इसी तरह ये भी मांग उठती रही कि अगर बाकी उद्योगों में कोई बिचौलिए नहीं है तो फसलों के व्यापार में ये बिचौलिए क्यों होने चाहिए? अगर उद्योगों के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो वैसा ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के लिए भी मिलना चाहिए। साथियों, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और खेती से जुड़े इन सारे सवालों के समाधान ढूंढे जा रहे हैं। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था वो अब पूरा हो रहा है। पहले ईनाम के जरिए एक टेक्नोलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई, अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। अब किसान के पास
अनेक विकल्प है अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इसी तरह एक और नया कानून जो बना है उससे किसान अब उद्योगों से सीधी साझेदारी भी कर सकता है। और मैं बताऊं, भारत के उद्योग जगत का जितना निवेश गांव और किसान में होना चाहिए था वो बहुत यानी नगण्य था, मामूली था, और उसमें हमारे कुछ कानून नियम भी आड़े आते थे। अब देखिए, जैसे आलू का किसान चिप्स बनाने वालों से फल उत्पादक यानी बागवान जूस मुरब्बा चटनी या कोई आयुर्वेदिक पौधे वाले किसान है तो फार्मेसी को, जैसे उत्पादन उत्पाद बनाने वाले जो उद्योग हैं उनके साथ वो पार्टनरशिप कर सकता है। इससे किसान को फसल की बुआई के समय तय दाम मिलेंगे जिससे उसको कीमतों में होने वाली गिरावट से राहत मिल जाएगी। साथियों, हमारी खेती में पैदावार समस्या नहीं है बल्कि पैदावार के बाद होने वाली उपज की बर्बादी ये बहुत बड़ी समस्या रही है। इससे किसान को भी नुकसान होता है और देश को भी बहुत नुकसान होता है। इसी से निपटने के लिए एक तरफ कानूनी अड़चनों को दूर किया जा रहा है और दूसरी तरफ किसानों को सीधी मदद दी जा रही है। अब जैसे आवश्यक वस्तुओं से जुड़ा एक कानून हमारे देश में बना था और कई दशकों पहले बना था, लेकिन वो क्यों बना था? क्योंकि उस समय देश में अन्न की कमी थी, भारी कमी थी, और इसलिए उस कानून की जरूरत थी। लेकिन आज तो अन्न के भंडार इतने भरे पड़े हैं कि इस प्रकार की रोक किसान का भी, अर्थव्यवस्था का भी और कंज्यूमर का भी नुकसान होता है। लेकिन बड़ा हैरानगी है कि यह कानून अभी भी चलता रहा जब हम दुनिया के दूसरे बड़े अन्न उत्पादक बन चुके हैं, तब इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। गांव में अगर अच्छे गोदाम नहीं बन पाए, कृषि आधारित उद्योगों को अगर प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, तो उसका एक बड़ा कारण ये कानून स्वयं में एक बहुत बड़ा रुकावट था। और इस कानून में यह भी एक दुर्भाग्य रहा कि इस कानून का उपयोग से ज्यादा बाबुओं ने उसका दुरुपयोग किया। इससे देश के व्यापारियों को, निवेशकों को, उनको डराने का काम ज्यादा हुआ। अब इस डर के तंत्र से भी कृषि से जुड़े व्यापार को मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद अब व्यापारी कारोबारी गांवों में स्टोरेज बनाने में और दूसरी व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए आगे आ सकते हैं। साथियों, आज जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया है, इससे किसान अपने स्तर पर भी गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पाएंगे। इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, FPOs, उनको वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। 1,00,000 करोड़ रुपया इस काम को गति देने के लिए बहुत बड़ी ताकत है।
ये जो धन किसानों को उद्यमी बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और उस पर 3% ब्याज की छूट भी मिलेगी। थोड़ी देर पहले ऐसे ही कुछ किसान संघों से मेरी चर्चा हुई अभी, जो सालों से इस किसानों की मदद कर रहे हैं, संगठन बना करके कुछ न कुछ नई नई कल्पनाएं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस नए फंड से देश भर में ऐसा काम करने वाले संगठनों को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में मशहूर उत्पादकों के साथ देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। इसके तहत देश के अलग अलग जिलों में गांव के पास ही कृषि उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और शहरों से दूसरा औद्योगिक सामान बनकर गांव पहुंचेगा, यानी ये टू वे चलेगा। और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है और जिसके लिए हम सबको मिलकर के एक नए तरीके से, नई सोच के साथ, नए संकल्प के साथ काम करना है। अब सवाल ये उठता है कि जो कृषि आधारित उद्योग लगने वाले हैं उनको कौन चलाएगा? इसमें भी ज्यादा हिस्सेदारी हमारे छोटे किसानों के बड़े बड़े समूह, जिनको हम FPO कह रहे हैं या फिर हम उसको किसान उत्पादक संघ कह रहे हैं, इन्हीं के द्वारा होने वाली है। और इसके लिए बीते 7 साल से FPO किसान उत्पादक समूह इसका एक बड़ा नेटवर्क बनाने का अभियान चलाया है। आने वाले सालों में ऐसे 10,000 नए FPO किसान उत्पादक समूह पूरे देश में बने, इस पर सभी राज्यों के साथ मिलकर के काम को आगे बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। साथियों, एक तरफ FPO के नेटवर्क पर काम चल रहा है तो दूसरी तरफ खेती से जुड़े स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी तक लगभग 350 कृषि स्टार्टअप्स को मदद दी जा रही है। ये स्टार्टअप्स फूड, पर्टिकुलरली फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, खेती से जुड़े स्मार्ट उपकरणों के निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हैं। साथियों, किसानों से जुड़ी ये जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इनके केंद्र में हमारा छोटा किसान है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा संख्या छोटे किसानों की है। यही छोटा किसान है जिस पर कोई भी आपत्ति आए तो सबसे ज्यादा परेशानी छोटे किसान को होती है। और यही छोटा किसान है जिस तक सरकारी लाभ पूरी तरह पहुंचे, ये हमारा संकल्प है।